अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। फिर एक बार सताने लगा लॉकडाउन का डर, स्कूलों को किया गया बंद। कल से एक हफ्ते तक स्कूल रहेंगे बंद। पहली क्लास से 9वीं तक की क्लासेस को बंद करने का किया ऐलान। मंदिरों को बंद करने को लेकर छोटे ताजिरों का एहतजाज, खुदकुशी करने की दी धमकी। बेलगाम में अब दो डोज के बाद बूस्टर भी देना शुरू, हुकूमत के रवैये से आवाम में नाराजगी। पानी की सरबराही करने वाले मुलाजमीन का एहतजाज आज से जारी, शहर को पानी की सप्लाई कल से होगी बंद। कारपोरेटरों ने बेलगाम डीसी को मुतालबा पेश कर कारपोरेशन में अब तक दाखला ना देने पर उठाए सवाल। रमेश कुर्ची ने की डीसी बेलगाम एमजी हिरेमर से बातचीत। अब खबरें तफसील से। वैसे तकरीबन बेलगाम शहर के तमाम ताजिर परेशान है और बेहाल है। ना सिर्फ ताजिर बल्कि तमाम शहरी अब इस डर खौफ के साए में जी रहे हैं कि कहीं फिर से लॉकडाउन का ऐलान किसी वजीर आजम या रियासती लीडर की जानिब से किया ना जाए। मईशत बुरी तरह मुतासिर है, लिहाजा अब इसी डर को तकवियत स्कूलों को बंद करने के फैसले से मिलती नजर आ रही है। आज बेलगाम डीसी एमजी हिरेमठ ने एक हफ्ते तक स्कूलों को बंद करने का फैसला सुना है, जिससे आवाम का गला सूखना शुरू हुआ है। कोरोना और ओमिक्रोन के बढ़ते मरीजों के चलते इस फैसले को लेने की बात कही जा रही है। वादा रहे कि आज 130 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए जाने की इत्तला हासिल हुई है। एक और इत्तला के मुताबिक कित्तूर के एक ही स्कूल में 80 बच्चों को पॉजिटिव बताया जा रहा है। क्या इतने बच्चे एक साथ पॉजिटिव हो सकते हैं? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। कित्तूर रानी चन्नम्मा सैनिक स्कूल में इतनी बड़ी तादाद में तलबाओं के पॉजिटिव होने से हड़कंप मचा हुआ है। मजीद ताज्जुब की बात यह है कि ओमिक्रोन ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है, अब इसे क्या कहा जाए। पहले ही वीकेंड कर्फ्यू से बेहाल आवाम को अब कहीं लॉकडाउन की भी खबर सुननी ना पड़े, ऐसा डर तमाम शहरियों के चेहरे पर देखा जा रहा है। कुछ सवालात आवाम के जहन में भी है, अब कुछ बोलते नजर आ रहे हैं तो कुछ जानबूझकर खामोश है। कुछ डॉक्टरों में भी इस बात का तस्करा जारी है, लेकिन कुछ कहने से डरते हुए भी पाए जा रहे हैं। वैसे ज्यादा खुशी तो डॉक्टरों में ही पाई जा रही है, क्योंकि सब कुछ बंद हुआ तो भी अस्पताल क्लिनिक मेडिकल शॉप तो शुरू ही रहेंगे और रखने भी चाहिए। लेकिन पिछले दो लॉकडाउन में डॉक्टरों के घरों पर सोने की बारिश हुई है, लिहाजा इसी खुशफहमी में शायद हो सकते हैं और किसी जगह पर प्लॉट या जगह खरीदने की फिराक में भी है क्या, ऐसी चर्चा आवाम में जारी है। कुछ डॉक्टरों ने ईमानदारी से काम कर अपनी जान तक गंवाई है, ये भी उतना ही काबिले तवज्जो है। लेकिन अक्सर लोगों को अस्पतालों से बुरा तजर्बा ही रहा है, लिहाजा स्कूलों को बंद करने के बाद कई सारे इश्कालात का जाहिर होना भी लाजिम है। दूसरी तरफ हजारों की भीड़ की सियासी रैलियां भी जारी है। कांग्रेस के मेके दाटू पदयात्रा में हजारों लोगों की शिरकत हो रही है, तो यूपी पंजाब झारखंड मणिपुर गोवा के चुनाव में भले ही अब रैलियों पर पाबंदियां लगा दी है, लेकिन इससे पहले तो यह सब जारी ही था। और इसमें वजीर आजम मोदी से लेकर योगी अमित शाह भी बिना किसी मास्क के देखे जाने की बात कही जा रही है। एक बार फिर कोरोना ओमिक्रॉन वीकेंड कर्फ्यू लॉकडाउन से बेजारी का इजहार आवाम की जानिब से किया जा रहा है, इतना तो सच ही है। अपने आप को हिंदुत्ववादी हुकूमत कहने वाली भाजपा ही मंदिरों को बंद कर रही है, और इसी तरह फिर बंद का ऐलान जारी रहा तो हम बेलगाम डीसी दफ्तर के सामने बैठकर खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि अब वैसे भी कर्नाटक रियासत की भाजपा हुकूमत हमें ना जीने दे रही है और ना ही मरने दे रही है। लिहाजा भूख से मरने से बेहतर है कि हम डीसी दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल करेंगे। ऐसा मुतालबा रायबाग से आए चिंचली माई का मंदिर के सामने छोटी तिजारत कर अपना गुजारा करने वाले लोगों ने कहा, जिसमें खवातीन भी शरीक रही। इस वक्त साबिक एमपी अमर सिंह पाटिल भी मौजूद रहे। कुछ खवातीन ने अपनी बात कहते हुए कहा कि महज राशन के चावल देकर अपनी जिम्मेदारी से बरी होने के बाद हुकूमत करती है, हम इंसान हैं मुर्गियां नहीं जो हमारे सामने चावल फेंकने के बाद उसे चुप कर अपना गुजारा करें। बहरहाल इंसानी जिंदगी की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए मंदिरों को बंद करने का फैसला रद्द किया जाए, ऐसा भी कहा गया। वाज़ा रहे कि बेलगाम शहर के 8 बड़े मंदिरों को हुकूमत की जानिब से बंद किया गया है, जिससे आवाम में खास नाराजगी देखी जा रही है। चिंचली देवस्थान संबंध है साहेब डीसी साहेब भेटिया बंदी हतोबत तारीख तक तड़ी अंदर अद नर कॉविड केसस् कमी आर बैन लिफ्टी अवकाश मेलू भेटी सरी आगबन गोर्मेंट
ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ನಾಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕೇನ್ ಬೇಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹತ್ತೈತಿಲ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬಬೇಕ್ರಿ ಸಾಲ ತಗೋಸಿ ಹೌದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ತಾಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದ್ರಿ ಈಗ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀರಿನ ಪಾಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮನಿ ಪಾಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಸದ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏಟೈತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ನಯಾ ಪೈಸಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಗದ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಮಾಲ್ ಚಲೋ ಅದಾವ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಚಲೋ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಚಲೋ ಅದಾವ ಬಸ್ ಚಲೋ ಅದಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟ ಯಾಕೆ ತಾಯಿದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾವ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕನಕಪುರದಾಗ 30,000 ಮಂದಿ ರ್ಯಾಲಿ ಐತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಬಂದ್ರನ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತೈತೇನ್ರಿ ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಕಾರದ ನುಕ್ಸಾನ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಲ್ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರುದ್ರಿ ನಾವು ಬ್ಯಾರೆ ದಂಧೆ ಇಲ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರೆ ನಾವು ತುಡುಗದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಾಕು ನೀವು ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಮರಾಠಿ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಜನನು ಬರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಜನನು ಬರ್ತಾರೆ ಮರಾಠಿದವರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋದು ಕರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ನಾವೇನೈತಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿತೇವಲ್ರಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕೊಡೋರಿ व्यापार करना करता आम परवानगी सगळ्यांनी देवस्थान मध्ये नाळाचे व्यापार आहे आमचं आणि चुरमुरे प्रसाद विकण्याचे असं 3-3 वर्ष शिल्लक ठेवते ते माल नाश होते सगळं नुकसान झालंय मग आता घरदार विकून पण पैसे दिले तर फेटत नाही ते सरकारने घेतलेला निर्णय कितपर्यंत चुकीचा आहे हे सरकारने घेतलेला हे निर्णय चुकीचा आहे बरोबर आहे त्याने कोरोनासाठी घेतलेला हे बरोबर आहे पण आम्ही पाळणं करतो खरं निवडणूक रॅलिया होत आहेत की निवडणुकीच्या मिरवणुका होत आहेत हे बरोबर आहे पण आम्हाला तर गोरगरिबांना रावण खायला परमिशन पाहिजे का नको आमची चुली बंद आहे ती आता सध्या आम्हाला रावण खायला परमिशन पाहिजे का नको गोरगरिबांना आम्ही काय खायचं आमचं नारळ इकलं तरच आमचं सगळं परिस्थिती व्यवस्थित आहे आमचं नाहीतर काय आहे 3 वर्ष काय करणार आम्ही सांगा की आम्ही असल्या परिस्थितीमध्ये आहे 100 करोड से ज्यादा डोज देकर भारत ने दुनिया में पहला नंबर हासिल करने की बात कही जा रही है अब तो कई सारे लोगों के दोनों डोज भी मुकम्मल होने की बात सामने आई है लिहाजा आज से बूस्टर डोज को भी देना बेलगाम में शुरू किया गया है जिन्होंने भी पहला और दूसरा डोज कोवैक्सीन या कोविशील्ड का लिया है तो इन्हीं को बूस्टर के तौर पर वही वैक्सीन दी जाएगी ऐसा बताया जा रहा है 60 साल के बुजुर्ग लोगों को ये टीका मुफ्त दिया जा रहा है आज बूस्टर के इजलास में DCMG हिरेमठ ML अनिल बेन के SP लक्ष्मण निम्बर्गीय और दिगर जिम्मेदार हजरात शरीक रहे लिहाजा आवाम में जिस कदर हुकूमतों की जानिब से डर खौफ का माहौल बनाया जा रहा है इस पर भी खासी नाराजगी देखी जा रही है कईयों ने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले तो एक ही वैक्सीन कही जाती थी जिससे अवाम में कोरोना का कोई असर न होगा ऐसा कहा जाता था फिर 2 डोज लेने वालों को ज़्यादातर कोरोना न होने की बात कही गई और अब फिर से बूस्टर के नाम पर वही डोज दिए जा रहे हैं आखिर माजरा क्या है ऐसा सवाल भी लोगों में गश्त करता पाएगा अब क्या आवाम की नाराजगी का मुकाबला हुकूमतें कर पाएंगी क्योंकि सभी जानते हैं कि 5 रियासतों के चुनाव होने जा रहे हैं इसके बाद कर्नाटक में भी इंतखाबात हो रहे हैं भाजपा की गिरते साख का ख्याल भी मोदी योगी फिर बम्बई हुकूमत को हो सकता है कहीं चुनावों को मुलतवी तो नहीं किया जाएगा क्या भाजपा हार के मद्देनजर इसी तरह इमरजेंसी की तरफ तो नहीं ले जा रही ऐसे कई सवाल आवाम के जहनों में आ रहे हैं और आना लाजमी भी है जो भी हो लेकिन आवाम में मौजूदा हुकूमतों के मद्देनजर नाराजगी देखी जा रही है और अब कुछ लोग सवाल भी पूछने की जरूरत करते देखे जा रहे हैं हो सकता है कि आगे आवाज उठाने वालों पर मुकदमे भी दायर किए जा सकते हैं जो भी हो हालात अफरा तफरी के नजर आ रहे हैं क्योंकि आवाम रोज रोटी कारोबार बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्र में मुब्तला है ये तो उतना ही सच है आज कॉरपोरेशन की जानिब से पानी सप्लाई करने वाले मुलाजमीन ने हड़ताल का ऐलान करते हुए जब तक अपनी मांगों को मुकम्मल न किया जाएगा शहर को पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी ऐसा ऐलान किया
ठेकेदारों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजमीन को काम पर लिया था। इन्होंने कई मरतबा अपनी मांगों को लेकर अपने मुतालबात भी पेश किए थे, लेकिन इनकी हर मांग को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से लगाया जा रहा है। लिहाजा शहर के पानी सप्लाई करने के काम को ही बंद करने का ऐलान करते हुए हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया। आज से हड़ताल शुरू हुई है, लिहाजा अब शहर को क्या पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। लेकिन कॉरपोरेशन कमिश्नर ने 100 मुलाजमीन को मुकर्रर करके किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे ऐसा भरोसा तो दिलाया। आखिर पानी की सप्लाई करने वालों की मांगे हुकूमत क्यों नहीं मंजूर कर रही, ये गरीब लोगों की क्यों सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा सवाल भी आवाम में किया जा रहा है। ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸಗಳಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಮಗಾರ ಬಂಧುಗಳು ಹೋದ 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಲಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು DC ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲವೇ 11,000 ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿವಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಕಾಯಂ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. मी कॉर्पोरेशन मध्ये काम करतो, वॉटर सप्लाय उज्ज्वल नगरला, आणि आम्ही आता स्ट्राईक केलेला आहे. स्ट्राईक केल्याबद्दल आम्हाला एवढंच त्यांनी रोक लावायलेत. कशाबद्दल की आम्हाला काय समजणं झालं आहे, 10 माणसांना एवढंच परमिशन दिलेलं आहे आणि बाकीचं चंदमा सर्कलमध्ये स्ट्राईक केले आहेत आणि DK शिवकुमार त्यांनी पादयात्रा काढले, तिथं 1,000 लोकं आले, त्यांना कोरोना होईना. आणि जर आम्ही 350 लोक एवढं जमलो तर आम्हाला एवढंच कोरोना होते म्हणून आम्ही परमिशन दिला त्यांनी. आम्हाला हे एवढंच विचारायचं आहे. सब तमाम बेलगाम के जितने लोग है उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमारे वजह से पूरा स्ट्राइक हुआ है और हम जो ठहरे हुए हैं यहाँ पर आज हमारे स्ट्राइक के लिए ठहरे हुए हैं, हमारे हित के लिए ठहरे हुए हैं, हमारे पगार ये वो सब चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं उसमें कि हम उस चीज़ों के लिए ठहरे हुए हैं यहाँ पर. तो उसके लिए हमको पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए. अगर हमारी तरफ से तकलीफ़ होती है किसी भी वॉलमैन की तरफ से कि वो बंदे ने अगर पानी नहीं छोड़ा या छोड़ा नहीं छोड़ा तो हमको पता नहीं हो उसका रहेगा, तो हमको डायरेक्टली कंप्लेंट करो आप. अगर पब्लिक की तरफ से हमको सपोर्ट मिला तो हमारी ये चीज़ें हैं ना हमको फुलफ़िल कर सकते हैं, हम हमारे घर वालों के चीज़ें फुलफ़िल कर सकते हैं. तो हम भी आपको हम आपको सपोर्ट करते हैं पानी के लिए, आप भी हमको सपोर्ट करो हमारे पगार के लिए. बेलगाम कॉरपोरेशन इंतखाबात मुकम्मल होकर अरसा गुजरा, लेकिन अब तक ना तो कॉरपोरेटरों को हल्प लिया गया और ना ही मेयर डिप्टी मेयर चुनाव किए गए. दिवाली के बाद या फिर अधिवेशन के बाद इस तरह किसी न किसी वजह से कॉरपोरेटरों को कॉरपोरेशन में दाखिला देने में ताखीर की जा रही है, जिसके नतीजे में तरक्कियाती कामों को अंजाम देना मुश्किल होता जा रहा है. लिहाजा इन्हें जल्द कॉरपोरेशन में दाखिला दिया जाए और शहर के तरक्कियाती कामों को अंजाम देने के लिए आसानी हो सकती है और कानूनी तौर पर भी ये गलत है, ऐसा कांग्रेस का ही रमेश कुर्ची और कुछ कॉरपोरेटरों की जानिब से DC बेलगाम को मुतालबा देते हुए कहा गया. ಇದು ಯಾವ ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವೆರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವನ್ಯಾಗ ಬರಬೇಕಂತಿರುವಾಗ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊದಲೇ ಮಾತು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ವೆರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅದು ಯಾವ ಮೊದಲಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವನ್ಯಾಗ ಬಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ ನಂತರ ನ್ಯೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವನ್ಯಾಗ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಸ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್. 4 ತಿಂಗಳು ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಈಗ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮೇಯರ್ ಇಸ್ 1 ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಮೇಯರ್ ಬರಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ತಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲಿ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಸ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋರು ಏನು 5ನೇ ಮೇಯರ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋರು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಸ್ 5 ಇಯರ್ಸ್, ಮೇಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಾಗ ಉಳಿತಾನೆ 5ನೇ ಮೇಯರ್ಗೆ. ವೇರ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮೇಯರ್ ಇಸ್ 1 ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್. ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಶಹರ್ ಕೆ ಜೊ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಹೈ ಜೊ ಚುನ್ ಗಯೆ ಜೊ ನುಮಾಯಿಂದಾ ಆಜ್ ಉನ್ಕೊ ಜೊ ಅಧಿಕಾರ ಮಿಲ್ನಾ ಥಾ ವೋ ಗಯೆ 4 ಮಹೀನೆ ಸೆ ಉನ್ಕೊ ಅಧಿಕಾರ ನಹೀ ಮಿಲಾ ಬೋಲ್ ಕೆ ಆಜ್ ಜೊ DC ಸಾಹಬ್ ಕೋ ಜೊ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಜೊ ಉನ್ಕೊ ಜೊ ಪತ್ರ ದಿಯೆ ಹೈ
कि जल्द से जल्द उनको अधिकार देना चाहिए, लेकिन कायदा में या 73 और 74th अमेंडमेंट जो कहता है, जो राजीव गांधी कांग्रेस पक्ष के हमारे जो पंत प्रधान थे उन्होंने जो जिस एक्ट को बनाया था कि सामान्य लोगों के हाथ में अधिकार, यानी गरीब से गरीब भी आज सब कुछ अधिकार वो बन अधिकार में आ सकता है, लेकिन वो एक्ट को ये राज्य सरकार आज उसको दाद देते नहीं हुए। इस बेलगाम शहर महानगर पालिका का जो चुनाए गए जो भी नुमाइंदे हैं उनको जो अधिकार नहीं दिया, उस अधिकार उनको वापस मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। बेलगाम शहर में एक और कत्ल की वारदात पेश आई है जिससे इस मौजू को शहर में जेर बहस देखा गया। इत्तला के मुताबिक गांधीनगर का नौजवान नुमान दरवाड़कर जिसकी उम्र 23 है पिछले 2-3 दिनों से लापता था, जिसकी लाश कल मारुति नगर एससी मोटर के करीब पाई गई। नुमान धारवाड़कर के कत्ल को लेकर कई अफवाहें गश्त कर रही थी, लिहाजा अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, पुलिस तहकीक जारी है। कल 11 तारीख बरोज मंगल 3:30 बजे नियाज बैंकेट हॉल में बेलगाम के मशहूर सहाफी मीम फारूक हन्नान पर लिखी किताब उर्दू सहाफत का दरक्षा सितारा मीम फारूक हन्नान का रस्म इजरा रखा गया। मीम फारूक हन्नान ने उर्दू सहाफत को अपनी जिंदगी के 40 साल दिए हैं। इस किताब को जनाब अमानुल्लाह निजामी ने लिखी है। इनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बेहतरीन अंदाज में रोशनी डालने की कोशिश की है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दरअसल किताब लिखने के पीछे ये तरकीब रही कि मैं फारूक हन्नान साहब के साथ पिछले 20 सालों से किसी न किसी तरह से जुड़ा रहा हूँ। तालीमी सरगर्मियाँ जो स्कूलों में हुआ करती थी उसके रिपोर्ट्स लेकर मैं पहुँचता तो फौरन जो है अखबार के ज़रिए तमाम तालीमी सरगर्मियों को उजागर किया जाता और उर्दू स्कूलों की हिम्मत अफजाई की जाती। इस तरह से एक जो सिलसिला फारूक हन्नान साहब के साथ मेरा जुड़ता गया वो करीब 2019 तक पहुँचने के बाद बिल्कुल मजबूत हो गया और मैंने महसूस किया कि बेलगाम शहर में जो सहाफ़त का अगर कोई एक पायेदार सहाफ़ी है तो वो फारूक हन्नान साहब हैं, जो पिछले 40 साल से मुसलसल जद्दोजहद करते हुए उतार चढ़ाव को झेलते हुए जो है इस मकाम तक पहुँचे और बेलगाम में उर्दू अखबारात को जो है ज़िंदा रखा, ताबिंदा रखा और उसे जो है हमेशा जो है तकवीत देते रहे। कई मुश्किलात उन्होंने झेले हैं, मैंने देखा उनके करीब रहने के बाद उनकी जो सियासी ज़िंदगी थी उसका भी मुझे इल्म हुआ और फिर एक मौका ऐसा आया कि लॉकडाउन में जहन इस बात पर आमादा हुआ कि क्यों ना इस सारी हकीकत को, ये सारे वाकयात को जोड़कर जो है एक किताब तश्कील दी जाए और इसी बिना पर जो है मैंने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह फारूक हन्नान साहब से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उलमाए कराम कहिए, सहाफ़ी हजरात कहिए या फिर अखबारात को जो ताउन करने वाले, जो उर्दू के चाहने वाले मुहिबान उर्दू थे, तमाम ने भी जो है अपने ख्यालात का जो है बिल्कुल खुशदिली से इजहार किया और तमाम को जोड़ने के बाद आज ये किताब जो है मैं मंजर आम पर लाने के जो है काबिल बन चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि जनाब अमानुल्लाह निज़ामी साहब ने इस किताब को मरतब करके मेरी जो सहाफ़त के ताल्लुक़ से जो कुर्बानियाँ थीं या फिर सहाफ़त के ताल्लुक़ से मैंने जो कुछ झीला इन तमाम चीज़ों को इस किताब में जो है मरतब किया गया है और मैं समझता हूँ कि ये किताब जो है मुस्तकबिल करीब में अगर कोई मुस्लिम नौजवान सहाफ़त के मैदान में आना चाहता है तो उसके लिए ये किताब जो है एक रहनुमा साबित होगी। उर्दू ज़ुबान और उर्दू सहाफ़त का ताल्लुक़ है। जिस ज़माने में मैंने अखबार शुरू किया उस वक्त लोगों में एक तरह का ज़ौक़ था उर्दू की तरक्की तरवीज व इशात के लिए, अवामी जहन तैयार शुदा था और उसी का मैंने फ़ायदा उठाया
और इस तरह से ये जोहरे गुफ्तार से जोहरे सहाफत तक ये अखबारात जो है बाकायदा चलते रहे। दरमियान में बहुत सारी रुकावटें भी पैदा हुई, लेकिन मेरे अंदर जो जुनून और अखबार चलाने की एक दीवानगी थी, उस चीज़ ने जो है इन अखबारात को 40 साल की उम्र बख्शी। लेकिन आज माहौल वो नहीं है, क्योंकि आज हमारे नौजवान उर्दू ज़ुबान से नाबलद हैं, और फिर आज का माशरा जो है वो न सिर्फ अपनी ज़ुबान बल्कि तहजीब व सकाफत से भी दूर होता चला जा रहा है। इसलिए आज के ज़माने में अखबार चलाना ये जुएशी लाने के बराबर है। फिर भी मेरे सामने एक मिसाल है, जनाब इकबाल अहमद ज़क़ाती साहब जो इत्तेहाद हफ्त रोज़ा निकाल रहे हैं, ये इनकी कोशिश मैं समझता हूँ कि ये इनकी हिम्मत की दाद दिए देने के लायक है। वरना बहुत सारे दरमियान में अखबार आए, कुछ महीने चले, कुछ साल चले और बंद हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज इत्तेहाद नामी अखबार जनाब इकबाल अहमद ज़क़ाती साहब की इदारत में चल रहा है। और मैं दुआ करता हूँ कि ये अखबार जो है हमेशा ज़िंदा रहे, कौम और मिल्लत की रहनुमाई करता रहे। ये किताब जो है बज़ात खुद मेरी बायोग्राफी की तरह है, जिसे जनाब निज़ामी सर ने मरतब किया है, और इन्होंने मेरे बचपन, मेरी तालीम और फिर मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी के अलावा मेरी सियासी ज़िंदगी को भी इसमें जो है पूरी तरह से पेश किया है। और इनका लब्बे लुबाब यही है कि मैं अगर चाहता तो सियासत के ज़रिए उस वक्त के बहुत से मुस्लिम कायदीन जिनसे मैं मुंसलिक था, खुसूसन मरहूम अज़ीज़ सेठ साहब जो अपनी ज़िंदगी के 40 साल जो है कर्नाटक रियासत में काबिनी वज़ीर रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मैं इनसे बहुत करीब था, लेकिन मैंने कभी उनके इन्फ्लुएंस का या फिर उनके इख्तदार का फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि हमेशा मेरे नज़दीक सियासत में जायज़ और नाजायज़ ये चीज़ें खड़ी रहती थीं। इसलिए मैं सियासत में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका जो आज के सियासतदानों ने हासिल की है।